नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। जेआरएफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतर्गत हम इकाई 5 हिंदी कविता पढ़ रहे थे, और इससे पहले हमने वहां पर नागार्जुन और अज्ञेय की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनकी व्याख्या करने की कोशिश की थी, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल इनकी कविताएं हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार इकाई 5 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको जाके देख सकते हैं। तो अज्ञेय की 3 प्रसिद्ध कविताएं इससे पहले हमने कर ली थी, जिसमें आपकी इनकी प्रसिद्ध जो कविता है, देखिए, यह दीप अकेला, कल की बाजरे की और हरी घास पर क्षण भर, इन 3 कविताओं की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। अज्ञेय के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अज्ञेय के कितने काव्य संग्रह हैं, ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, और इन चीज़ों को भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक पंक्ति के जरिए आप कैसे अज्ञेय की सब समस्त जो इनके काव्य संग्रह हैं उनको याद रख सकते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम मेनली इनकी जो प्रसिद्ध कविता है, देखिए, असाध्य वीणा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः जो अज्ञेय माने जाते हैं उनकी जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति वाली जो कविताएं हैं वो अमूमन संक्षिप्त हुआ करती हैं, और छोटी कविताएं, जैसे सांप इनकी छोटी कविता है, इस तरीके से इन्होंने लघु कविताएं ज्यादा लिखी हैं। लेकिन इनकी एकमात्र जो प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा है, ये इनकी लंबी कविता है, लगभग 321 पंक्तियों की यह कविता। इनकी जो जापान प्रवास 1958 का था उसके बाद इन्होंने लिखी थी अल्मोड़ा में, और 321 पंक्तियों की ये प्रतीकात्मक कविता है, ये मैंने आपको पहले ही चीज बता दी है। एंड 1960 में इसको इन्होंने पूर्ण किया, और 1961 में ये संकलित हुई, इनका जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, 1961 में ये पूर्ण हुई, और 1961 में ही इन्होंने इसको आंगन के पार द्वार में संकलित किया। आंगन के पार द्वार पर अज्ञेय को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो असाध्य वीणा के बारे में आपको पहले जानना थोड़ी सी चीजें जरूरी थी। और इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने एक चीज ये बताने की कोशिश की है कि हमारे मन में जिस तरीके की भावनाएं होती है, हम ईश्वर को उसी रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं और उसी रूप में हम उसको पाते हैं। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तब हमें ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। और एक चीज जो तुलसीदास जी ने कही थी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि ईश्वर के प्रति जिसकी जैसी भावना रहती है वो ईश्वर को उसी रूप में ही पाता है। तो यही चीज हम देखते हैं कि जब जो प्रियंबद है, जो केश गंबली है, जब वो उस वीणा को बजाता है तो वहां पर जिस जिसकी भावना जैसी जैसी थी उसने उस तान को वैसे वैसे सुना। कभी उसमें युद्ध के राग सुनाई पड़ते हैं, तो कभी प्रेम का संगीत सुनाई पड़ता है, तो कभी किसी को शिशु की किलकारी उसमें सुनाई पड़ती है। तो यहां से अज्ञेय का कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति भी जो हमारी जीवन रूपी वीणा है उसको नहीं बजा सकता, उसको नहीं साध सकता, जब तक उस परम सत्ता, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारा मन जो है वो सही तरीके से, या उसमें वही पवित्रता, वही शुद्धता, मतलब स्वयं को उसमें समर्पित करने की भावना ना हो, तब तक हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। ये चीज अज्ञेय ने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आज मेनली हम इसकी आधार भूमि के बारे में जानेंगे कि किसको आधार मानकर ये कविता अज्ञेय ने लिखी थी। तो अज्ञेय घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, और इसी के चलते इनके जो दो प्रसिद्ध यात्रा साहित्य, यात्रा वृतांत भी है, अरे ययावर रहेगा याद, और साथ ही साथ इन्होंने लिखा था एक बूंद सहसा उछली। तो अज्ञेय को ना सिर्फ आपने एक काव्यकार, एक कहानीकार, कथाकार के रूप में याद रखना है, बल्कि साहित्य की लगभग समस्त विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी उठाने की कोशिश की है, और इसमें ये काफी हद तक सफल भी रहे हैं। आप देखते हैं अज्ञेय के जो निबंध हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वहां से भी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चीज को भी आपने फॉलो करना है। साथ ही साथ 3 इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में ये हम सब लोगों के समक्ष आते हैं, ये चीज हमने हालांकि पहले डिस्कस कर ली है। अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, पूर्व दीप्ति शैली में, और फ्लैशबैक जिसको कहा जाता है उस शैली में लिखा गया उपन्यास है। आज हम मेनली इनकी जो असाध्य वीणा है, लंबी कविता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर उसकी आधार भूमि की अगर हम बात करें तो चीनी जापानी कथा पर आधारित ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। तो इसकी जो कथा है, देखिए, जो चीनी कथा है उसमें ये कहा गया है कि लुंगामेन की घाटी पर जो एक किरी नामक का वृक्ष है, ठीक है, लुंगामेन की घाटी पर किरी नाम का एक विशाल काय वृक्ष है, जिससे जो वीणा बनाई गई थी, जिसको दरबार में कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं बजा सका था, और जब सब लोग उसको बजाने में असमर्थ रहे तो एक बीनकर हुए हैं, ठीक है,
पीवो नाम के व्यक्ति, उन्होंने उस वीणा को बजाया। जब उन्होंने इस वीणा को बजाया तो उससे अलग अलग तरह तरह के संगीत निकले, तरह तरह की तान निकली, जो मैंने आपको प्रारंभ में बात कही थी। किसी ने उससे युद्ध की झंकार सुनी, किसी ने उससे प्रेम का राग सुना, किसी ने उसने शिशु की गलकारी सुनी, किसी ने उसने प्रकृति की तान सुनी। अलग अलग तरीके से उस चीज को, उस संगीत में देखने को अपने अपने स्वभाव से लोगों ने उसको फील किया, उसको महसूस किया, जब उस व्यक्ति ने उसको उसको साधा, उस वीणा को। और यही चीज आपको बौद्ध दर्शन में भी जैन या झेन संप्रदाय में देखने को मिलती है, इसी प्रकार की कथा मिलती है। और ये एक इनका जो लोक कथा है, देखिए बौद्ध दर्शन की, उसमें भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब अज्ञेय ने क्या कर दिया, उन्होंने इसी कथा का भारतीकरण कर लिया। उन्होंने वज्रकीर्ति नाम के व्यक्ति के जरिए इस वीणा को बनाया किरीटी नामक वृक्ष से। तो ये एक प्रश्न बन सकता है, किरीटी नामक वृक्ष आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है कि सतपुड़ा के जंगल, यहां से भी आपको एक प्रश्न रखा गया था कि किस जाति के लोगों की बात वहां पर की गई है ना, तो वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ जाते हैं। तो हो सकता है ये वाला प्रश्न भी आपके लिए बन जाए कि किस व्यक्ति ने जो आपकी असाध्य वीणा थी उसका निर्माण किया था। तो वज्रकीर्ति ने किरीटी नामक वृक्ष से इसका निर्माण किया था, किरीटी नामक वृक्ष, ये आपने याद रखना है, विशाल का वृक्ष। आप देखेंगे कि इस कविता में उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया है अज्ञेय ने, जहां पर वो देखते हैं कि किरीटी नामक वृक्ष के नीचे भालू भी रहते हैं, उसके नीचे शेर भी रहते हैं, शेर अपनी उसको खुजलाते हैं, और किरीटी नामक वृक्ष जो है इतना बड़ा है कि वो आसमान तक पहुंच जाता है और बादल मानव उसके ऊपर विश्राम करते हैं, उसके कंधों पर। तो यहां पर इस तरीके से मानवीकरण भी इस कविता में किया गया है प्रकृति का, ये चीज भी हम देखेंगे। और किरीटी वृक्ष से जब इस उसको बनाया जाता है तो बहुत ही अभिमंत्रित करके या मंत्र उच्चारण से उस बहुत ही पवित्रता के साथ उस वीणा को बनाया जाता है। तो उसने जो वज्र कीर्ति था, उसने ये चीज उसमें पहले ही, मतलब उन्होंने ये कल्पना की थी या उनका ये मानना था कि उस जो इनकी प्रसिद्ध ये प्रख्यात जो वीणा थी उसको कोई नहीं बजा सकता जो सच्चे मन से या स्वयं को शून्य में विलीन करने की बात ना करे, न्यछावर ना करे, तो वही व्यक्ति उस चीज को बजा सकता है। यही चीज हम देखते हैं कि बाद में राजा के दरबार में जब उस वीणा को लाया जाता है तो वहां के उसके राज दरबारी जो रहे या फिर जो दूसरे लोग रहे, जो अलग अलग कलाविद रहे, वो उसको बजाने में असमर्थ रहते हैं। अंत में जो केश कंबली होते हैं, जिसको गुफा गेह के नाम से भी, प्रियंबद के नाम से, तीन नाम इसको गिनाए गए हैं इस कविता में। हो सकता है ये वाला प्रश्न भी बन जाए आपको यहाँ पर कि केश कंबली, प्रियंबद, गुफा गेह, ये तीन नाम, जो गुफा में रहता है, जिसके केश जो है बहुत लंबे हैं, मतलब जो साधु वेश में है, साधक जो है बिल्कुल, वो व्यक्ति जब उसके राज दरबार में आता है तो उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि जब उसने उस वीणा को बजाया, ठीक है, मतलब वहां पर पूरा आप देखें औपन्यासिक घटना के रूप में उसको चित्रित किया गया है, नाटकीय रूप में उसको चित्रित करने की कोशिश अज्ञेय जी ने की है। यहाँ पर जब केशकम्बली पहुंचते हैं तो जब वो उस वीणा को बजाते हैं तो वो पूरा उसका आदर सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, स्वयं को शोध करने की वो कोशिश करते हैं कि वो स्वयं क्या है, क्या वो वास्तव में उस चीज के लिए बने हैं, क्या वो उसको बजा सकते हैं। वो खुद के ऊपर जो एक भरोसा है उनका, वो खुद को एक तरीके से पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं असाध्य वीणा के लिए। असाध्य वीणा जो क्या है, वो परम सत्ता की प्रतीक है। जो किरीट नामक का वृक्ष है जिससे वो बनी है, वही परम सत्य का प्रतीक है। उस परम सत्य में वो खुद को विलीन करने की कोशिश करते हैं, खुद को वो शोधने की कोशिश करते हैं, खुद के वो एक तरीके से रिसर्च करने की कोशिश करते हैं खुद के लिए। तब भी वो कहते भी तो हैं कि मैं क्या हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कलावंत नहीं हूं, मैं एक साधक हूं जो निरंतर शोध कर रहा हूं अपने ऊपर, जो अपने जीवन के ऊपर की वास्तविक में, वास्तविकता में ईश्वर क्या है, वास्तविकता में सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, सत्य को खोजने का वो प्रयत्न करता है। और मन और हृदय से वो क्या है, बहुत ही पवित्र है। ये चीज यहाँ पर जो केशकम्बली है वो कहता है, जब वो उस चीज, उस वीणा को बजाता है तो चारों तरफ क्या है, झंकार उठ पड़ती है। अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार संगीत सुनता है। महारानी को प्रेम के राग सुनाई देते हैं तो किसी को वहां पर युद्ध की तान सुनाई पड़ती है। ये जो क्षमता है ये संगीत में है, उस वीणा में है, कि अलग अलग व्यक्ति को अपने अपने तरीके से वहां पर संगीत सुनाई पड़ता है। तभी तो मैंने पहले ही आपको कहा कि तुलसीदास ने भी ये चीज कही कि जिस व्यक्ति के प्रभु के प्रति जैसी आस्था है वो उसको उसी रूप में देखता है। तो ये चीज जो अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता है, देखिए असाध्य वीणा, उसमें हमें देखने को मिलती है। और हर एक व्यक्ति उस असाध्य, जो असाध्य वीणा उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके मन में अहम है, अहंकार है, द्वेष है, कलह है, ऐसे व्यक्ति इस जो जीवन रूपी हमारी असाध्य वीणा है उसको भी नहीं साध सकते, मतलब वो असली तरीके से सही मायने में ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। यही संदेश, यही एक मैसेज देने की कोशिश
अगे ने अपनी इस प्रसिद्ध कविता के माध्यम से की है कि अगर हमने ईश्वर तक पहुंचना है, परम सत्ता तक पहुंचना है, तो हमें स्वयं को शून्य कर देना है, स्वयं को उसी में विलीन कर देना है, स्वार्थरहित होके न्यौछावर करना है खुद को। और वही चीज के शंभली इस कविता के जरिए करते हैं। ये चीज थी थोड़ी सी जो हमने इसके आधार भूमि के बारे में बताने की कोशिश की कि चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। देखिए जो चीनी जापानी कथा है उसके आधार उसको आधार मानकर इन्होंने लिखी ये इनकी प्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी कि अहंकार के बिना ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी इसके बारे में। अगले भाग में हम इसकी संपूर्ण व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों की इसकी आधार भूमि समझ आ गई होगी कि क्यों इसकी रचना की गई थी और क्या इसका मूल उद्देश्य है, क्या इसका मूल प्रतिपाद्य है। तो अगले भाग में मिलेंगे हम इसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ, जिसमें हम इसको अलग अलग भागों में विभाजित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी कविता है इनकी। अगर दोस्तों आपको ये वाला प्रयास हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।